तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी के कमाल की हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ, जो कि है पावर सेविंग से रिलेटेड। मतलब कि अगर आप अपने मोबाइल में आपकी बैटरी का परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, या भी बोल सकते हैं बैटरी जल्दी खत्म हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा आप उसमें उसको बूस्ट करना चाहते हैं कि बैटरी आपकी सही तरह, तो आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी के अंदर मिलती है और बहुत ही कमाल की। उस सेटिंग को यूज़ करने के बाद आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, लाइक पावर सेविंग मोड पे नहीं अप्लाई करना है कि आपको वहाँ पर उसकी सीपीयू को डिक्रेस करना पड़ेगा, 5G को ऑफ करना पड़ेगा और लिमिट डालनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कमाल की हिडन सेटिंग आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको कमाल की एक हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ, वो है पावर सेविंग से रिलेटेड। अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी की बैटरी बहुत ज़्यादा कम चल रही है, या हो सकता है आप उसकी बैटरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अपने सैमसंग गैलेक्सी के अंदर पावर सेविंग मोड का यूज़ कर सकते हैं। बट पावर सेविंग मोड को यूज़ करने से होता क्या है कि आपकी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद हो जाता है, लिमिट हो जाती है सीपीयू की कि 70% ही यूज़ कर सके, डिक्रीज ब्राइटनेस हो जाती है 10% और टर्न ऑफ 5G, और भी बहुत सारी कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर हो जाती है आफ्टर ऑन पावर सेविंग मोड। आपको दिख रहा होगा पावर सेविंग मोड के बाद ये सब चीज़ें हो जाती है। बट मैं आपको एक कमाल की सेटिंग बताने वाला हूँ इसके अंदर। इसमें आपको बिना पावर सेविंग मोड को ऑन करे आप पावर सेविंग मोड का फीचर्स को, या हो सकते हैं उसकी बैटरी को परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है बैटरी एंड डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे। आप वहां से भी जा सकते थे बट मैं आपको यहाँ से ले जा रहा हूँ। यहाँ जाना है बैटरी में, यहाँ जाना है आपको पावर सेविंग वाले ऑप्शन पे, जैसा कि आपने पहले ही देख लिया। अब यहाँ पर कमाल की चीज़ क्या है कि आपको यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और एडेप्टिव पावर सेविंग मोड का ऑप्शन मिलेगा आपको, एडेप्टिव पावर सेविंग मोड। अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, इसका काम ये है, आपने इसको ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद आप देखेंगे टर्न ऑफ पावर सेविंग ऑन ऑफ हो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर यूजर्स परफॉर्मेंस। मतलब कि ये आपके यूज़ करने के तरीके से, जैसे कि जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे तब वो ऑटोमेटिक उसको पावर सेविंग मोड पर डाल देगा, और जब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे जब वो पावर सेविंग मोड को ऑफ कर देगा। तो ऐसे करके ये आपके मोबाइल की बैटरी को बचा लेगा। तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसको ऑन कर लेना है। वो ऑटोमेटिक पावर सेविंग मोड को ऑन कर लिया करेगा जब उसको लगेगा, और ऑटोमेटिक उसको ऑफ कर दिया करेगा जब उसको लगेगा। ऑटोमेटिकली करेगा, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है। मैं इसको अभी यूज़ करके, मतलब फर्स्ट टाइम इसको इनेबल कर रहा हूँ, इनेबल करने के बाद मैं इसको यूज़ करके देखूँगा एक्चुअल में इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं जो कि अच्छा है। एक चीज़ और भी कर सकते हैं जो कि एडिक्टिव बैटरी सेविंग मोड, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ, मैं आज फिर बता देता हूँ। तो आपको उसके लिए जाना है मोर बैटरी सेटिंग पे, आपको मिलेगा यहाँ पर एडिक्टिव बैटरी वाला ऑप्शन, तो आपको इसको भी ऑन कर लेना है। ये भी बैटरी के इंक्रीज़ करने का काम करता है, वो पावर सेविंग मोड के लिए है, ये है बैटरी के लिए। तो आपको दोनों को ऑन कर लेना है, उससे आपको काफ़ी हद तक आपकी बैटरी का परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लगता है थोड़ी कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो थैंक यू।